नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल एमए टीवी पर और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल जेके एस्ट्रोलॉजी पर, एमए टीवी नेशनल पर और फेसबुक पर। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, वही जाना पहचाना नंबर 09039980888 इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ लाइव इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा। हल्के फुल्के माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में जो चर्चा हम पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एमएटीवी के माध्यम से करते आ रहे हैं, उसका सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और 2 बजे तक रहूंगा। इसके अलावा अगर और फिर बात करनी है तो 01827216401 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको कभी भी नंबर को डायल कर आप मेरे साथ प्रोग्राम में, प्रोग्राम के बाद हिस्सा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज समय ना खराब करके हम चर्चा करेंगे हमारे राशियों के ऊपर। मेन हमारा जो मोटिव रहता है कि क्या है वर्तमान स्थितियां जो अलग अलग राशियों को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से बनते हुए काम रुक जाते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं, ना चाहती हुई चीजें जो हैं वो होने लगती हैं और जिसको चाहते हैं वो शायद कहीं कहाँ हैं, खो गई हैं, पता ही नहीं चलता। यही जीवन का एक रंग है जिसको हम दिन भर जिंदगी भर इंजॉय करते हैं, परेशान रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी का सिलसिला हमने पिछले दिनों देखा। युग बीत गए लेकिन रावण को जलाने की प्रथा खत्म नहीं हुई। नवरात्रियों नवरात्रि सेलिब्रेट किए, दुर्गा पूजा की, उसके बाद रावण दहन, त्रेता युग से चलता आ रहा दहन क्या आखिर कारण है जो अभी तक ये खत्म ही नहीं हुआ है? ऐसा रावण के पास क्या था जिसको हर वर्ष जलाना पड़ता है? उम्मीद करता हूं कि आपने भी रावण जलाया होगा। एक रावण जो एक फील्ड में, एक ग्राउंड में बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है। एक रावण वो है जिसको असल में जलाना है, क्योंकि यह रावण जो है इसको जलाना ही असल में मकसद होता है। शायद इसीलिए इतने लंबे समय से इसको जलाया जा रहा है ताकि हम जान पाए कि कौन से रावण को जलाना है। वो रावण है हमारे अंदर बैठे हुए दोष, जो हमें प्रतिदिन एक नफरत, एक जैलस, एक द्वेष, एक ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों में अति करवा देते हैं। ये हमारे एक अभिन्न अंग है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं, आप देखते हैं कथावाचक आते हैं अलग अलग जगह से, आप देखते हैं उनको तो वो कहते हैं कि अरे भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग कर दो, ये सबसे बड़े शत्रु हैं, इन्हीं से हमारे जीवन में कांटे होते हैं। पर मैं उनसे हमेशा सवाल करता हूं कि ये तो गुण है, आप गुणों को खत्म नहीं कर सकते। अग्नि को अग्नि का गुण कैसे छोड़ने को कह सकते हैं? न अग्नि अपना गुण छोड़ सकती है, ना जल अपना, ना हवा अपनी, ना पृथ्वी आकाश हो सकती है, ना आकाश पृथ्वी। तो ये गुण जो है इनको खत्म कर देना इतना आसान नहीं, और ये खत्म होंगे भी नहीं, आसान हो भी जाए तो ये खत्म नहीं हो सकते। शायद यही एक कारण है कि युगों से चलती आ रही प्रथा, जिसको शायद हम समझ नहीं पाए, हमने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना लिया कि ठीक है, साल में एक बार एकत्रित हो, इकट्ठे हो, जाकर एक पुतला बनाओ और जला दो। लेकिन जो पुतला असल में जलाना है, उस पुतले के अंदर जो ये जो बुराइयां हैं, इनको बैलेंस करना है, इनको खत्म करना है, इनको बढ़ने से रोकना है। शायद ये नहीं हो पा रहा, यही एक शायद मकसद है जिसकी समय में समय समय पर आता है और वो इस चीज से मुक्त होता चला जाता है। यही उद्देश्य रहा है, क्योंकि हर सेकंड लाखों बच्चे पैदा होने लगते हैं तो जाते भी हैं संसार से, एक बैलेंस बना हुआ है। मान लो कि जाना बंद हो जाए और आना ही आना हो तो धरती पर रहना मुश्किल हो जाए, और ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो ना जाने क्या होगा। तो बैलेंस कुदरत बना के रखती है, तो यही बैलेंस हमें बनाना है रावण दहन के माध्यम से। बात को आगे लिए चलते हैं, क्या है आज और आने वाले दिनों में उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गंडमूल की चर्चा जो हम करते हैं हर बार, उसकी चर्चा एक बार फिर से करना चाहूंगा। गंडमूल, जी हाँ, 9 अक्टूबर को शुरू होंगे लगभग 11:40 पर, ये शुरू होंगे सुबह टाइम 11:40 पे शुरू होंगे 9 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएंगे 11:46 जो है मॉर्निंग टाइम पे ये समाप्त हो जाएंगे। जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा गिने जाएंगे, और इस बार जो गंडमूल रहेगा वो है रेवती एंड अश्विनी नक्षत्र में बच्चों का जन्म होगा, और इसमें जन्म लेने वाले बच्चों की जिंदगी अलग ही तरीके की होती है।
जिसमें मानसिक तनाव जो है वो बहुत ज्यादा, डिप्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, वंडर अराउंड करना, सेटलमेंट ना हो पाना, चाहे वो काम की हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ की हो, चाहे वो जनरल वेलबींग की हो, कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में ये चीजें अस्त व्यस्त होने लगती हैं। और हेल्थ का तो मैटर रहता ही है हमेशा ही, तो मैं यही कहूंगा कि समय रहते इसका निवारण, इसकी शांति, इसका उपाय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आज का नक्षत्र जो है वो है शतरेखा। राइट नाउ जो मैं बात कर रहा हूं इसमें शतरेखा यानी कि राहु का नक्षत्र जो है वो एक्शन में है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, लेकिन कुछ ही समय में राहु का नक्षत्र समाप्त होगा तो चंद्रमा अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और वो जुपिटर के नक्षत्र में एंट्री करेंगे, यानी कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की एंट्री हमारे प्रोग्राम के दौरान ही हो जाएगी और उसका अलग ही प्रभाव, यानी कि इस समय में कुछ भी अगर आप कर रहे हैं या तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा जितना जल्दी हो, अगर राहु आपके लिए अच्छा है तो कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे ही जुपिटर की एंट्री होगी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अगर जुपिटर भी आप लोगों के लिए अच्छा है तो निश्चित तौर पे उसका आउटकम जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुश्किलें कहीं ना कहीं आगे चल के फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस समय एक डायलेमा है, कंफ्यूजन है, करें नहीं करें, बात हो रही है नहीं हो रही है, क्या किया जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा अगर राहु बुरा है तो कुछ ना करें, अगर राहु अच्छा है तो जरूर यह समय आपके लिए उपयोगी होगा। अब की जो राशि है राइट नाउ जिस राशि की हम चर्चा करें तो राशि है कुंभ, यानी कि चंद्रमा कुंभ राशि में इस समय अपना गोचर कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में। और आज की जो तिथि है वो है त्रयोदशी, 13th डे ऑफ द लूनर कैलेंडर। और इसके अलावा फुल मून होगा 9th अक्टूबर को, और वहीं बहुत सारी ग्रहणियां जो हैं वो व्रत रखती हैं, तो करवा चौथ का व्रत भी आ रहा है जो है यूके में 13th अक्टूबर को। हो सकता है इंडिया में कुछ अलग डेट्स हो, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यूके की डेट जो है वो 13th अक्टूबर है। तो आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं, आपके व्रत का जो भी मंतव्य है उसमें आपको सफलता मिले ये कामना, ये दुआएं आपके लिए करूंगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। है जन्मदिन, जिनका आज और आने वाले दिनों में जन्मदिन है, जी हाँ, आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जन्मदिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आरोग्य सुख लेकर आए, संबंधता लेकर आए, प्रेम लेकर आए, तरक्की लेकर आए, आपसी तालमेल को बढ़ाए, ये सारी चीजें आपके लिए मैं इस परमपिता परमेश्वर से मांगता हूं। रोग और शत्रुता और निराशा आपको छुए नहीं, ये कामना भी साथ में करता हूं। जिनकी एनिवर्सरी है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों का साथ बना रहे, जीवन के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस को आप करते हुए एक साथ एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े, ये कामना है। किसी की भी बुरी नजर आपको ना लगे, ऐसी प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर से आपके गृहस्थ में जीवन के लिए। आपका मंगल हो। जिन्होंने कुछ भी अचीव किया है पिछले दिनों में, आने वाले दिनों में लगता है कि बस होने ही वाला है, तो जो होने वाला है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की लेकर आए, जो हो गया है वो भी आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बनाए रखे, ये कामना, ये प्रार्थना आप सभी के लिए है। जी हाँ, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अगर असफलता का स्वाद आपने चखा है और उससे आप निराश हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास अगर कोई रत्न हो और आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाएं जिसको रत्न की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो उसको पत्थर समझ के उसका कोई मोल देने के लिए आपको तैयार नहीं होगा। लेकिन जो छोटा वाला होगा, उसको छोटा व्यापारी होगा, जिसको पहचान नहीं होगी लेकिन व्यापार छोटा, तो वो उसकी थोड़ी सी कीमत लगा देगा। जो सिर्फ उसको पत्थर समझेगा वो उसकी कीमत नहीं लगाएगा, जा उसके उसको देख कर उसे लगा अच्छा चलो रख लेते हैं, तो आपके वो 10,000 के पत्थर की स्टोन की कीमत 50 पाउंड लगा सकता है, जो जानकार हो वो 2,000 लगा सकता है। लेकिन जो जौहरी होगा वो आपको मुंह मांगा दाम वैल्यू जो है उसकी वो देने के लिए तैयार होगा, मतलब 10,000 से भी ज्यादा देने के लिए तैयार होगा। तो यही स्थिति है, आप बाजार में गए, मार्केट में गए, इंटरव्यू दी, आपने प्रयास किया लेकिन आपकी बात नहीं बनी। आप ये ना समझे कि आपकी बात नहीं बनी, उन्होंने आपको परखा ही नहीं, उनको पहचान नहीं आपके टैलेंट की, इसलिए आप निराश क्यों होते हैं।
आप उस बाजार में जाएं, उस स्थान पर जाएं जहां पर लोग आपके मूल्य को समझ सकते हो। तो ऐसी भीड़ से हमेशा दूर रहें जहां पर आपका सत्कार ना हो, जहां पर आपकी वैल्यू ना हो। ऐसी भीड़ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि तो वहां आपको निराशा निराशा और निराशा ही मिलेगी। तो जीवन में ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये डिप्रेशन, ये लेट डाउन, ये असफलता, ये फेलियर, ये जो चीजें हैं ना, इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें इनसे कुछ लेना ही नहीं है। जो हमारा है, जो प्रारब्ध ने, जो फेट ने, जो डेस्टिनी ने आपके लिए फिक्स कर रखा है, आपको उस ओर आगे बढ़ना है। अक्सर कर लोग छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सेहत से जुड़ी हुई हो, चाहे काम की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे रिश्तों की हो। किसी भी तरह की छोटी छोटी बातों में अगर थोड़ा सा भी आपके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप निराश होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर इश्यू हो जाता है, एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जो था वो भी चला जाता है, खत्म हो जाता है, आपके अंदर का इंसान ही खत्म हो जाता है। यही है रावण। जब एग्रेशन बढ़ेगा तो रावण की वृत्ति बढ़ेगी, और रावण की वृत्ति बढ़ेगी तो उसको अपना ही भाई दुश्मन नजर आएगा, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग दुश्मन नजर आएंगे, अपने ही माँ बाप, बहन भाई दुश्मन नजर आएंगे, अपनी ही बीबी, अपना ही हस्बैंड दुश्मन नजर आएगा, अपने बच्चे भी दुश्मन नजर आएंगे। यही है रावण। रावण ने भी यही किया, अहंकार एग्रेशन में अपने ही भाई को निकाल दिया। बुद्धि इतनी भ्रमित थी कि निकाल दिया, और जिस कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये भविष्य के लिए खासतौर पे बात कही जाती है, क्योंकि वही था लंका को जानने वाला। वही जब वहां से निकाला गया, भेजा गया, तो उसने जाके राम की शरण ली। यही होता है जब हम अग्रेशन में होते हैं, हम इन रिश्तों को तोड़ देते हैं, और फिर कोई ना कोई तो होता है जो उसका लाभ लेता है, जिसका लाभ उसको चला जाता है। इसलिए कोशिश, प्रयास करते रहिए कि इस असफलता को, इस निराशा को अपने अंदर घर ना करने दें। जिस अवस्था में कोई खुशी मिल जाए, उसको खोज लेने की कोशिश करें, तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो इस तरह से कहूंगा, असफलता नाम की कोई चीज नहीं, बस आपके अमूल्य जानने वाले लोग यहां संसार में, जहन के पास आप गए हैं, वो नहीं जानते कि आपकी कीमत क्या है। इसलिए अपनी कीमत सही जगह पे लगाएं तो बात अच्छी रहेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात करते हैं एरीज राशि की। ये एरीज राशि के मित्र जो हैं, इनकी कीमत क्या है, इनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एरीज राशि की कीमत भी कोई कोई ही लगा सकता है। ये वो लोग हैं जो एक ही पल में सब कुछ बदल दें, एक ही पल में हारी हुई बाजी को जीत दें, ऐसी ताकत रखते हैं जी। ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना रहती है, आसमान में उड़ने का जज्बा रहता है इनमें, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहाड़ियों को चढ़ जाना, सर कर लेना, ऊपर से जाके पूरी दुनिया को देखना, मरकर ऊपर जाना नहीं है भाई, मर के कोई ऊपर नहीं जाता है, जीते जी ही ऊपर जाना होता है। तो ये जीते जी ही ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, माउंटेन सर करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, जिससे बड़ा ही मजा आता है। तो इस तरह से चीजों का लाभ होता है। तो मैं यही कहूंगा कि एरीज, आपका मुकाबला कोई नहीं, आपके अंदर एक ही समस्या है, आपकी तेजी। आपकी तेजी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए आप बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। आप फटाफट काम करने वाले हैं, इसलिए गुस्सा भी आपको जल्दी आ जाता है। मैं यही कहूंगा, गुस्से से राहत दिलाएं अपने आप को, और चीजों को आप अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम करते हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बैलेंस करने का टेक्निक भी सीख लेना, तो फिर आप लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। छोटी रेस तो आप जीत ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबी रेस जीतनी हो तो थोड़ा इसको रिजर्व करना सीखें तो बात अच्छी रहेगी। तो क्या है आज और आने वाले दिनों में, चंद्रमा लाभ में और अच्छी स्थिति में, तो ये दिखा रहा है कि ये समय जो है वो आपके लिए लाभ, किसी अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड चीज का गेन आपको हो सकता है। अनवांटेड क्योंकि आपके दिमाग में ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड भी है क्योंकि आपको आपको लगता ही नहीं ऐसा हो सकता है।
अगर वांटेड है तो बात ही अलग है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो जी। जी हेलो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम पर दे होना था। ठीक है जी, टाइम का कोई आइडिया हैगा, कितने जन्म होया इन्हां दा? ठीक है जी, ना की इन्हां दा? अशोक कुमार जी। ठीक है जी, हम राज है। ओके, आप चेक कर लेने, नो प्रॉब्लम। की हो सकता, बाहर जाना चाहते आ, ते बाहर है ऑलरेडी, बाहर आओ तुसी कहने हो, और पहला ही बाहर रहे हो या बाहर जाना चाहते हो? अच्छा, ते घरों गए हले? अच्छा, राउंड द वे आ। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं, कोई गल नहीं, देखते हैं की होंगे जी। होल्ड करो। उन्होंने जाना जी बाहर। ओके, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਬੈਠਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਅੱਜ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। चलो जी, दो चार जो भी आओ, ता देखो जो पोजीशन है वो इस वेले इन्नी बढ़िया नहीं हैगी, चले गए ने राज ने, चंगी गल है, पर ये काम करो ताकि तुहानू कोई अगे रास्ता जरा मिल जाए। ठीक है, ओके जी, ओके, टेक केयर जी। जी हाँ, कुंडली में स्थितियां इतनी भी अच्छी नहीं, रास्ते में है, चले जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुश्किलें तो फेस करनी ही पड़ेंगी। जी हाँ, बात कर रहे थे एरीज राशि की, तो एरीज राशि के लिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों के लिए अनिश्चित अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, अचानक से किसी फॉरन से जुड़े हुए मैटर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और खर्चे भी बढ़ चढ़ के हो रहे हैं, कामकाज को लेकर भी खर्चे हो सकते हैं, कोई कारोबारिक जर्नी हो सकती है, कारोबारिक जैसे आपकी कोई पोस्टिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है, इवन फॉरेन में आपको भेजा जा सकता है, आपका नाम आ सकता है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो चीज़ें हैं आज और आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज है कि आज का दिन जो है वो ऐसा प्रभाव लिए हुए है, तो अगला दिन आपका कैसा रहेगा, इस चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम कल की बात करें तो ये आज और कल के मिक्स आपको रिजल्ट मिलने वाले, और मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से मिलेंगी जिसमें हेल्थ का आपको साथ में ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसमें किसी तरह की कोई भी गुंजाइश या गलती करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज और कल के दिन में इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा, खर्चे हो सकते हैं, काम काज को लेकर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी करने जा रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है। कल की अगर बात करो, कल का दिन हल्का सा टेंशन जरूर लिए रहेगा, शुरुआत टेंशन के साथ होगी,
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये कहें कि आफ्टरनून के बाद आपके पास अच्छे नतीजे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। आपको लोग आपके एक्शन को, जो भी रिस्क आप ले रहे हैं या लिया है आपने, उसके आउटकम जो है वो आपकी फेवर में आएंगे और आपको सराहा जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इस तरह से कल का दिन आफ्टरनून के बाद आपके लिए फेवरेबल होता चला जाएगा। जो एंशियस होगी, जो एंग्जाइटी होगी, उससे पहले वो जरूर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धीरे रखें, धैर्य रखें, पेशेंस के साथ इंतजार करें और अपना एक्शन जो है वो करते रहें। आपने बिल्कुल सही किया है, इसमें मुझे कोई डाउट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हो भी क्यों ना, मंगल मंगल बैठे हैं ऐसी स्थिति में जहां पर मंगल आपको पूरी ऊर्जा एनर्जी दिए हुए हैं आपकी कुंडली में, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात मैं संडे की करूं, संडे का दिन एक अच्छा दिन आपका रहेगा और इसमें चीजें आपके लिए आगे बढ़ेंगी और निरंतर बढ़ती ही चली जाएंगी। पारिवारिक माहौल भी बनेगा, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी होंगी, बच्चों को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे, या परिवार में अपने बहन भाई भतीजों के लिए, भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। तो संडे का दिन भी एक अच्छा दिन आप लोगों के लिए बनेगा, जो बहुत ही एक मजबूत स्थिति बनाए हुए है। अगर मंडे की बात करूं तो मंडे का दिन कैसा रहेगा? मंडे के दिन में उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है। जो फैमिली प्लानिंग की बात करें तो हो सकता है आपको न्यूज मिले कि आप कंसीव कर चुके हैं, हो सकता है किसी बच्चे का जन्म आपके यहाँ घर में हो जाए, लेकिन गंडमूल साथ में होंगे, चीज का ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें बनेगी। दूर देश गए हुए बच्चे भी आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वापस आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। अगर आप लोग शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लाभ जरूर वहां दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करेंगे। अगर आपके मन में किसी म्यूजिकल क्लास को ज्वाइन करने की कोई ऐसी क्लासेस हैं आप लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय मंडे का दिन आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसका पूरा पूरा लाभ जो है वो आप ले सकते हैं। बात अगर ट्यूजडे की करूं तो ट्यूजडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन भरा दिन होगा, बेहतरीन भरा दिन जिसमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, नई जिम्मेवारियां होंगी और कुछ नया करने का जज्बा होगा। इस तरह से चीजें बहुत अच्छी आपके लिए होती चली जाएंगी, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं प्रॉमिस मेक करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे लाभ की स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी। खैर, समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं और आप चर्चा करते रहेंगे जन्म कुंडली के बारे में। आपका कोई भी सवाल हो, प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डायल कर आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, मेरे साथ चर्चा में कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना चैनल MATV। धन्यवाद। Even as a young lad, our John was always more at home on the sea. A proper no fuss and bother kind of guy. When he passed, direct cremation was the perfect way to give him the send-off he would have wanted. Co-op Funeral Care knows everyone is different. So if you want to give your loved one a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just £9.95 and you can celebrate them in your own way. To find out more, visit us or give us a call. A little story. It doesn't matter where you read it or share it. That one little story can open their world to a lot of possibilities. But one in five children will say they don't own a book. So we've provided over 130 million books since 2013. McDonald's. Change a little, change a lot. I'm in. Okay. Now, you can have a great first day. Your donations helped 3D print his heart to guide his surgery and saved his life with a groundbreaking innovation. And the future breakthrough that could cure her is closer than ever.
Help us turn science fiction into reality and save more lives like hers. Donate £5 to the British Heart Foundation now. It's easy to save money when you're a co-op member. We send personalised offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy with them. Do you go for something you need? Or your favourite treat? The good news is you can have both. And every time you buy co-op products, you support your community. Join today and get £3 off your next shop when you spend £10. Download the app, choose your offer and start saving. Co-op, it's what we do. Ooh, nice. McCafe, just great tasting coffee. Simple. My credit score before ClearScore was horrendous. I couldn't even get a store card. I use the app all the time. I religiously check it every month. If it wasn't for ClearScore, I wouldn't have been able to get the pre-approved loan that paid for the bunk beds. We kitted out the whole house. It has completely given me control over my finance. Who doesn't love something that's free? Join Mary and the 12 million people who are ClearScore sure. Download the free app now. Discover the surprising details of your ancestors' lives with our ever-growing collection of historical records. Start your free trial today at Ancestry. So, that's how much we try and sell your home for. That's great. Thanks. What are you doing? I'm spying on them to find out if they're a good estate agent or not. Or we could just use getagent.co.uk. At GetAgent, we show you the best estate agents in your area based on how well they've sold other properties, so you can make an informed decision. Suppose you're going to say I should remove the spy cameras too. There's no need to play secret agents. Yeah. If you need an estate agent, simply getagent.co.uk. Are we taking our last look at them? Are we really saying goodbye, old friend? With almost 20,000 elephants being killed every year for their ivory, we could be looking at a world without elephants. Please adopt an elephant with WWF for just £3 a month. Call 0800 035 5912 or search WWF Elephants. And let's make sure we're not saying goodbye to one of our oldest friends. Family life. It's made of ups and downs. And those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus, there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. See up close and clear with Mighty Sight from JML, the magnifying eyewear with instant 160% magnification to make detailed tasks easy to see. The built-in LED lights give you ultra-bright hands-free illumination. See prescription labels clearly, complete fix-up jobs with ease, and enjoy hobbies in detail. Even threading a needle is quick and easy. Mighty Sight fits over your prescription reading glasses and they're rechargeable. Don't miss the details with Mighty Sight from JML. Only £19.99 from Asda, Argos, Boots and Wilko. पर इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ चर्चा में भाग ले सकते हैं। हल्के फुल्के माहौल में मैं और आप चर्चा करते रहेंगे। जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाए लिए चलते हैं। बात कर रहे हैं एरीज राशि के बारे में, लेकिन साथ ही साथ एक कॉल है वो भी ले लेते हैं। जी हेलो जी। हाँ जी नमस्कार जी, दोबारा क्यों ठीक है जी, टाइम किया जी, ठीक है जी, प्लेस ऑफ बर्थ ओके जी, ते ना किया जी, ठीक है जी, की जानना चाहते हो? जी 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 मतलब
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋਨ ਵੈਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲਾਓ, ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਬਤ ਲੈਣੇ ਜੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ। ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 18 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਿਨ 19ਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕਾ ਯੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹਮੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਉਨਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਵਾਈਫ ਕਾ ਕਿਆ ਥਾ, ਹਾਂ ਮਿਸ ਕੈਰਿਜ, ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਮੁਝੇ, ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਜੀ 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 हाँ ठीक है, दीजिए आप डेट ऑफ बर्थ टाइम और दीजिए अपने बारे में, या वाइफ के बारे में, जिसके बारे में पूछना है उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम और दीजिए। ठीक है, 30 या 13, हाँ 30/12/89 टाइम क्या है, इवनिंग, और कहाँ कहाँ जन्म हुआ था आपका, ठीक है, क्या जानना है अभी आपको, देखो कंसीव करने का स्टार तो आपका चल ही रहा है, वो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या वहां पर जाके एक एक स्टार है साथ में जो विरोधाभास पैदा करता है, जिसमें होता क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी का कुछ टाइम होता है, विद इन 3 मंथ टाइम, 3 मंथ महीने से ऊपर तो जाएगी नहीं, बड़ी मुश्किल से जाएगी, 3 महीने में इनकी बॉडी जो है ना, जैसे फॉरन बॉडी को वो कोप नहीं कर पाती और वो मिसकैरेज हो जाता है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट ना होना या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फॉरेन बॉडी के साथ वो उसका जो कनेक्शन है वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर अपने डॉक्टर के साथ आप बातचीत करें, उनको वो क्या कहते हैं वो बताएं, कभी और फिर बात करें तो शायद मैं आपको और ज़्यादा गाइड कर पाऊंगा, और होम्योपैथी में इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, अपने आपके आसपास हो होम्योपैथ हो तो वहाँ कर लें, आप मेरे से बात कर लें तो वो भी ठीक रहेगा। तो प्रेगनेंसी का तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन समस्या ये कि वो मैच्योर कैसे होगी, कंप्लीट कैसे होगी, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और अभी जो काम की स्थिति है, मैं यही कहूँगा कि अभी एंड ऑफ नवंबर तक जो टाइम है वो अभी स्ट्रेस वाला है, जनरली चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे प्रेगनेंसी को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे आगे तरक्की को लेकर हो, नवंबर तक आपका स्टार जो है वो काफ़ी आपको बार 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 एक कदम आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं खींच के आपको 4 कदम पीछे ले आएगा, लेकिन नवंबर के ऑनवर्ड जो है, नवंबर ऑनवर्ड जो है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें चेंजेस होंगी जो अच्छी होंगी, और फिर आगे एक अच्छा स्मूथ प्रोग्रेस जो है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक तो अभी आपको अनदर 2 मंथ्स हैं, वो आपको अभी वेयर करने पड़ेंगे जी जी। स्किल्स अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, बट मैनेजमेंट में नहीं है, फिर रिजेक्ट हो गया जी, रिजेक्ट हो रहा है, वही कह रहा हूँ, नवंबर तक अभी ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि नवंबर तक जो सिचुएशन है आपकी कुंडली में वो इस तरह से ही आपको कर रही है, इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। और मैंने अभी एक बात सुनाई थी प्रोग्राम शुरू करते हुए कि आप
उन लोगों के साथ आपका संबंध बनेगा जो आपकी कदर करेंगे, वैल्यू जानते होंगे। जो नहीं जानते वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें आपको निराश होने वाली बात नहीं है। आप ऐसा ना सोचे कि आप में कुछ कमियां हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करें और तैयारी करें, और जब सही कनेक्शन बनेगा तो जॉब आपको मिली जाएगी, और मिल जानी है। लेकिन नवंबर, एंड ऑफ नवंबर तक अभी स्ट्रगल है, तो उसको अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जी, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, नहीं तो फिर हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। आज तक जो भी मिला है सब आपके मार्गदर्शन से और आपके रास्ता बताने की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद है हमेशा ही रहेगा। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, मार्गदर्शन अपनी जगह पे है जो देते हैं आपको, लेकिन मेहनत आपकी है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मार्गदर्शन भी क्या करेगा। तो आपका संपूर्ण सहयोग जो है ना, वही कह रहा हूं ना, आपके संपूर्ण सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसको आप बनाए रखें और नवंबर तक अभी इंतजार करें। नवंबर ऑनवर्ड्स फिर मैं चीजें अच्छी देख रहा हूँ, और जो जॉब का जो मैटर है वो सब ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के चांसेस, अभी बीबी को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, अभी थोड़ा समय हुआ है, जल्दबाजी ना करें, पहले ही बॉडी कमजोर है। और फिर आगे चल के उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, बस ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है, ट्रीटमेंट जरूर लेना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, जरूर जरूर, धन्यवाद जी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जब आप कहते हैं जी हाँ आप हमारे पास आते हैं तो हमारा काम ही है गाइडेंस देना। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑल क्रेडिट्स जो है वो आपको ही जाते हैं, क्योंकि मेहनत, प्रयास, उन चीजों को फॉलो करना, ये सब आप ही करते हैं, तभी बात होती है। क्योंकि बिना आपके कुछ भी संभव नहीं है। तो आप प्रयास करते रहें, एक फेथ रखें अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करें। क्योंकि जब हमारा विश्वास खुद के ऊपर से उठ जाता है तो समस्या ये है कि फिर लोग जो है ना वो आपका फायदा लेने की कोशिश करते हैं, मिसयूज आपका होता है। तो अपने पर भरोसा रखें, सही मार्गदर्शन लें, आगे बढ़ें, प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। इसमें देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, ऐसा बहुत कम होता है। तो प्रयास करते रहिएगा, वो अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो बात को लिए चलते हैं। मैं बात इन कॉलर से पहले कर रहा था कि कई बार हम आपको उपाय देते हैं कि इस दिन उपाय करना है, और सेकंड टाइम करना है या थर्ड टाइम करना है। तो एक क्वेश्चन कहीं रह जाता है, क्या उस दिन भी वो सेम डे होना चाहिए? सेम डे से कोई मतलब नहीं है। उस दिन अगर हमने आपको कोई डेज दिए हैं, पर्टिकुलर डेज के 8 दिन 9 दिन 10 दिन 15 दिन कुछ भी ऐसा मेंशन कर दिया है, तो आपको उस डे का क्या रखना है, काउंटिंग में डे उतना होना चाहिए, 15th होना चाहिए। अगर 15th डे को वो डे नहीं आता है जिस दिन आपने ये उपाय शुरू किया था, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरह से आप बिल्कुल भी अपने आप को कन्फ्यूज जो है वो ना करें। एरीज की बात कर रहा था, किस तरह से मंडे का दिन आप लोगों के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। और ट्यूजडे की बात करूं तो ट्यूजडे का दिन रिलेशनशिप में काफी बहुत बड़ा एक दिन होगा, जिसमें रिलेशनशिप में बहुत सारे तनाव जो है देखने को मिल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है, पार्टनर की हेल्थ, उसके ऊपर बुरा प्रभाव हो सकता है, पार्टनर का कहीं दूर जाना हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाने का प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा बुरा ही नहीं लेना चाहिए, कई बार कुछ अच्छा भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रेशर, एक स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रही है। तो ट्यूजडे के दिन आप लोगों को खास तौर पे ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी बात जो है वो ना हो, और एक आपसी तालमेल को बनाए रखना है। इसी तरह से अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में भी किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है, इन चीजों को बैठकर समय रहते ही एडवांस में ही सुलझा लिया करें, लास्ट मिनट पे फिर चीजें खराब हो जाती हैं, तो वो बेहतर रहेगा और चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। तो कुल मिला के एक चैलेंजिंग डे मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए रह सकता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, आपको बहुत उम्मीद थी कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस दिन आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा ना आए, टर्म एंड कंडीशन ऐसी हो, जॉब तो परमानेंट थी, रोल कुछ और बताया गया था, लेकिन लास्ट में हो सकता है रोल चेंज कर दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट रह गया हो, वो परमानेंट जॉब ना हो, कुछ इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। तो जो भी है, आप समझदार हैं, तो सही फैसला लेना आपको आता है, उसका उसके ऊपर आपको काम करना है। बात अगर वैनेस की करें
तो वेनेसडे का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है, और इस दिन काम काज किसी भी चीज को शुरू करना, किसी कंपटीशन में भाग लेना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यू में जाना आपके लिए सफलता का कारण होगा। किसी तरह का कोई लोन लेना है, मॉर्गेज अप्लाई करना है, कोई परमिशन लेना है, अपने आप में बहुत ही अच्छा दिन है। आप इस दिन करें बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें अगर आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं, तो इस दिन गुस्से से बच के रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, रेस्ट की अगर जरूरत है तो रेस्ट जरूर करें, नहीं तो ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। हेल्थ वाइज ये दिन थोड़ा टेंशन का दिन रह सकता है। बात थर्सडे की करूँ, थर्सडे का दिन बेहतरी वाला दिन रहेगा, अच्छे समाचार मिलेंगे, खुशी प्राप्त होगी और जीवन एक अच्छे नए रूप के इनमें अच्छे रूप से आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीक आप बहुत अच्छी तरह से प्लान करेंगे और इसमें अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बात करते हैं टॉरस राशि की। टॉरस राशि के मित्रों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और आने वाले दिन, क्या खास है इनमें और कैसी स्थितियां जो है वो बन सकती हैं, अलग अलग हो सकता है। यहां बैठकर मैं कई बार आपको कह देता हूं कि अरे आपका दिन बुरा है, लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, तो आपको लगता है कि अरे ये सब तो ऐसे ही है। जब यहां हम बात करते हैं वो बात जनरल एक जेनेरिक बात हमारी होती है। जब नतीजे वैसे नहीं आते इसका मतलब आपकी कुंडली जो है वो वर्तमान समय के ऊपर हावी है, उसमें कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं जो आपको लाभ दे रही हैं। वो आपकी दशा हो सकती है, अंतर्दशा हो सकती है, प्रत्यंतर दशा हो सकती है, किसी खास ग्रह का कुंडली में प्लेसमेंट हो सकता है जो इस समय में जो ट्राइडेंट के ग्रह हैं उनके साथ उसका कोरिलेशन बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से नतीजे बहुत अच्छे आ सकते हैं। हमारे बुरा कहने पर भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, तो इसलिए इसमें ना आपकी गलती है, ना हमारी गलती है, ना मैं गलत देख रहा हूँ, ना कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बहुत मैटर करती है, इसलिए कहता हूँ कि जब भी कभी कोई चर्चा करें तो अपनी जन्म कुंडली लेकर आए तो बात और भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली नहीं है तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें, तो निश्चित तौर पे अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ हो रहा है, तो जो मैंने बताया उस गाइडेंस से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं, हानि से बच सकते हैं। यही मकसद होता है इस प्रोग्राम का कि मैं आपको जानकारी दूं उससे आपको कैसे लाभ हो सकता है। बात करें टॉरस राशि की। टॉरस राशि एक ऐसा इंसान जो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में लगा हुआ है, इसके लिए परिवार ही सब कुछ है, परिवार के लिए अपना खून पसीना एक किया जा रहा है, ना भूख की चिंता है, ना चैन है, ना नींद है, मतलब दिन रात चलते रहना, जिसका परिवार के लिए चलते रहना, करते रहना, मरते रहना, उसी में खुशी ढूंढना एक लक्ष्य होता है। ये ताकत है आपकी, शालीनता आपकी ताकत है, सबसे एक अच्छा व्यवहार बनाए रखना ये आपकी ताकत है, सबसे डरना, मतलब डरना नहीं कि कोई आपको डराए, मतलब रिस्पेक्टफुल वे में सबसे बात करना, कहीं किसी का डरना, मतलब किसी की आप हानि, आपके शब्दों से किसी का बुरा ना हो जाए, ऐसी सोच है आपकी, ये एक अच्छी सोच है। लेकिन कई बार ऐसी सोच जी का जंजाल भी हो जाती है, जैसे कोई गलती कर रहा हो आप उस गलत को भी गलत ना कहें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे रावण, रावण को एक बार फिर ले आते हैं, रावण गलत था, अब भाई भविष्य चाहते तो वो कहते भी ठीक है, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश, हालांकि उसकी सजा मिली, उन्हें देश निकाला मिल गया उनको, लेकिन गलत तो गलत ही था ना, उसका एहसास तो करवाया गया। तो आप अपना सही प्रयास जो है वो जरूर खड़ा करें। इस चीज का ध्यान रखें कि दूसरों के इमोशंस को समझते वैल्यू देते देते आप कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो क्या है आज और आने वाले दिनों में, अगर आज की बात करें तो आज का दिन हल्की फुल्की टेंशन के साथ शुरू हुआ, लेकिन कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली, जैसे कहें कि आपका दिन बन गया हो, किसी ने आपका दिन बना दिया हो, अचानक से ऐसी कोई बात हो गई हो जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। आज का दिन कारोबारिक रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक अच्छा लाभ लेकर आएगा, स्थितियां बेहतर होंगी और ये लाभ बढ़ता चला जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और अगर आप संडे या वीकेंड्स में अपनी बिजनेस को रन करते हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है आप लोगों के लिए, काफी
अच्छे नतीजे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान यश कीर्ति जिसको हम कहते हैं वो मिलेगी, हालांकि साथ साथ में कुछ ऐसी बातें भी चलेंगी जिसमें आप दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई देंगे। आप एक जगह पे कुछ बनाने के लेकिन दिमाग कहीं और उस चिंता को लिए हुए भी होगा। तो मैं यही कहूंगा यहां पर हो, उसी चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो अपने आप को, अपने समय को और चीजों को सही तरीके से कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल का दिन एक अच्छा दिन आप लोगों का रहेगा। दिन के ढलते 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 परेशानियां आपकी ओर आएंगी क्योंकि आपने दिन नहीं संभाला, तो परेशानियां जो है बढ़कर आ गई। तो ऐसे ही ये परेशानियां बढ़ेंगी और परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर, कामकाज को लेकर, किसी झगड़े को लेकर जन्म के साथ शुरू होंगी और जो संडे तक चली जाएंगी। यानी कि संडे का दिन इसी उधेड़ बुन में निकलेगा जिसमें आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कुछ पुरानी चीजें जो है वो आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं, उनसे आपको बचना है। उनको उनके ऊपर आर्गुमेंट ना करें। कोई बहन भाई आकर ही पुरानी बातें छेड़ कर बैठ जाए, कोई बिजनेस पार्टनर ही आके छेड़ के बैठ जाए, कुछ लेन देन हो पुराना उसी की चर्चा शुरू है और उसमें फिर बात आर्गुमेंट में चली जाए, तो इसको सही तरीके से संभालना है आपने। आप भी कहने का हक रखते हैं तो कहिएगा जरूर। यही बात मैंने पहले की है, कई बार आप चीजों को बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल वे में छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप छोड़ते जाएंगे तो वो फिर से आपके सामने आकर वही चीजें पुरानी लौट लौट कर आपके सामने आएंगी, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो संडे का दिन कुछ परेशानी लिए रहेगा लेकिन आगे बढ़ेगा और मंडे का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन भरा दिन रहेगा। एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ, एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। हालांकि बच्चों को लेकर हल्की सी टेंशन जो है वो दिमाग में, बैक ऑफ माइंड जो है वो चलती होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा आउटकम जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्यूजडे का दिन आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे जिनको शेयर मार्केट बहुत पसंद है। कोई डे टू डे करता है, कोई लॉन्ग टर्म करता है, कोई वीकली करता है, जो भी हो, अगर डे टू डे में आपका इंटरेस्ट हो तो ट्यूजडे का दिन आप लोगों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस दिन अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लाभ आपकी फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। बात बुधवार की करूं, बुधवार का दिन आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड बनेगा, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब, पति या पत्नी जिनके भी है, का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपको जो ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, सुख स्वास्थ्य से बढ़कर कोई नहीं, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर, पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर आपको अवेयरनेस के दिन ध्यान रखना होगा। बाद अगर अर्ज की करूं तो एक अच्छा दिन रहेगा आपका, ब्लेसिंग भरा दिन रहेगा, किसी का साथ मिलेगा, किसी का आशीर्वाद मिलेगा, धन लाभ का दिन रहेगा, पीस ऑफ माइंड बनेगा और एक अच्छी कंडीशन सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं देख रहा हूं। लेकिन हाँ, आपकी मदर के लिए ये दिन खराब हो सकता है। मदर नहीं है तो उनसे जुड़ी हुई कोई बातें चल सकती हैं जिससे आपका खुद का मन परेशान हो सकता है। तो इस तरह से पूरा वीक जो है आप लोग इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं लगे रहेंगे और अपने समय को सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। काम तो चलते ही रहेंगे, समय आएगा जाएगा, दिन आएंगे जाएंगे, लेकिन इसमें जो उलझने हैं उसको समय रहते सुलझा लेना ही सही उपयोग होगा आपके द्वारा समय का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उपाय, आप में से बहुत सारे लोग उपाय मांग लेते हैं, तो उपाय में पीले रंग की चीजें जो है वो दान की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं भी धर्मस्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं भी दान कर सकते हैं जिससे लाभ की स्थितियां बनेंगी और एक बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बन जाएगी। बात जेमिनी राशि की अगर हम करें तो जेमिनी राशि के मित्रों के लिए क्या होने वाला है आज और आने वाले दिनों में, उसकी हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये लाइव प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, 09039980888। इस नंबर को डायल कर आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि में क्या होगा मिथुन राशि के मित्रों के लिए, यह है ड्यूअल राशि, ट्विन राशि,
ये है बहन भाई की राशि, ये है बहनों की राशि, ये है भाइयों की राशि। ये एक ऐसी राशि जिसमें हमेशा ही एक सपोर्ट आपके साथ चलती है, आप हमेशा एक बैकअप प्लान जो है वो बनाकर आगे निकलते हैं। यही ऊर्जा है, आप बहुत तेजी से, बहुत ताकत से, पूरे जोर से जो भी करना चाहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, ये आपकी ताकत है। रिस्क लेने से भी आप घबराते नहीं हैं, ये भी आपकी ताकत है। लेकिन आपको अटेम्प्ट्स कई बार करनी पड़ती हैं, वहां पर आके कई बार फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और इस फ्रस्ट्रेशन में आप मिस्टेक्स बना सकते हैं और बनाते हैं। बस इसको थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। ये ही आपका एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दर्शाता है। अगर ये सही हो जाए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों को एक नहीं मिलती, आपको एक साथ तीन तीन चार चार मिलेंगी, दस दस अपॉर्चुनिटी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस ओर जाऊं, किसको करूं, कैसा करूं, क्यों ना करूं, ये अच्छा है। क्योंकि कईयों में पैसा अच्छा होता है, बाकी ये कमी होती हैं, कईयों में बाकी ये होती हैं, पैसा थोड़ा कम होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको कंफ्यूज कर देती हैं कई बार। आपको उस समय में अपना बेस्ट डिसीजन जो है वो बनाना होता है, तभी आप अपने आप को एंजॉय कर पाएंगे, सही समय का उपयोग कर पाएंगे। तो क्या है जेमिनी राशि में आज और आने वाले दिनों में? जेमिनी राशि में आज का दिन कामयाबी भरा दिन, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। पेरेंट्स के माध्यम से लाभ हो सकता है, पेरेंट्स को लाभ हो सकता है जो आपके लिए खुशी दे सकता है। कामकाज को लेकर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन साथ में ये भी होगा कि भागदौड़ तो बहुत है, लेकिन आप जिनके लिए काम कर रहे हैं बेनिफिट उन्हीं को होगा, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज आपको जरूर निराश करेगी, लेट डाउन हो सकता है, आपको घेर ले। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हिम्मत है तो फिर क्यों नहीं, आपकी ड्यूटी है तो फिर क्यों नहीं, बस करते जाइएगा। छोटी छोटी बातों को इतना बहुत ज्यादा महत्व ना देकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़िएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। आज का दिन विशेष तौर पर आपके लिए एक अच्छा दिन होगा। बात अगर मैं कल के दिन की करूं, कल का दिन छोटी यात्राओं को लेकर शुरू हो सकता है, वो कारोबारिक यात्राएं हो सकती हैं, वो पारिवारिक यात्राएं हो सकती हैं, वो निजी यात्राएं हो सकती हैं, किसी तरह की कोई जर्नी अचानक से प्लान अनप्लान्ड होने की संभावना है। कुछ अच्छे इन्विटेशंस आपको आ सकते हैं, किसी की शादी का इन्विटेशन अचानक से आ सकता है, दूर देश से आ सकता है, कि फोन कॉल आ सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुशी प्रदान करें, चाहे आप उसका पार्ट बने चाहे ना बने आगे चल के, लेकिन हाँ कुछ ऐसे अच्छे समाचार आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। कल के दिन रिलीजियस प्लेस में जाना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अगर आप कर सकें तो इसके बेनिफिट आगे चल के आपको मिलेंगे। बात संडे, संडे का दिन जेमिनी राशि के लिए कैसा होगा, इसकी चर्चा तो होगी, लेकिन समय एक ब्रेक का भी है। ब्रेक के उस पार हम जेमिनी राशि मिथुन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या है छुपा पूरे वीक में, आज से लेकर नेक्स्ट वीक थर्सडे तक उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हल्के फुल्के माहौल में इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मेरे साथ चर्चा में भाग ले सकते हैं। आप सभी देखते रहें MATV JK Astrology चैनल, यूट्यूब चैनल MATV लाइव चैनल यूट्यूब पर जो है, और फेसबुक, इस माध्यम से आपको जो जानकारी दीजिए वो आपको मिलेगी। लेकिन एक ब्रेक के उस पार कहीं में जाइएगा, धन्यवाद। Calories a bag? Who knew? What? Sits, Quavers and Monster Munch multi-packs. 100 calories or less. If you're over 50, you can have the time of your life without worrying how your family will cope when your time is up. Post Office Over 50's life cover is simple and affordable, and from a name you know and trust. You're guaranteed acceptance if you're a UK resident aged 50 to 80. There are no health checks, and it starts from just £1.15 a week. Plus, you can get free 24/7 GP access with the Health and Wellbeing Benefit. Come on, enjoy yourself. Safe in the knowledge Over 50's Life Cover will pay out money when you die, as a gift.
our UK call centre now on 0800 169 1100 and choose your £100 gift card for amazon.co.uk, Tesco or M&S. In our November draws, our Postcode Millions prize is going double. Yes, that's double the amount of doors to knock and double the amount of checks. As not one, but two lucky postcode areas will each win a share of £3.2 million. Oh my gosh! It can happen. It can happen to you. For your chance to win these amazing prizes and more, sign up with your postcode before midnight on the 21st of October. This is an urgent appeal from Save the Children. Health systems around the world are at breaking point. But we must make sure children get the treatment they need for other deadly diseases. That boy has pneumonia. That boy has pneumonia. This girl has pneumonia. That boy has pneumonia. And there's a new arrival. This is Emmanuel and his twin brother. They've just turned one. But pneumonia has filled their lungs with fluid, and they are fighting for every breath. The condition might deteriorate, and we are at risk of losing them. Pneumonia is a ruthless and painful killer, but there is a simple solution. Emmanuel needs antibiotics. These tablets cost less than £2, and that's all we're asking you for. To call the number on your screen now and give £2 a month. Your donation will make an even bigger difference for children at such a scary time. They can still have a healthy and happy childhood if they get the medicine they need. This antibiotic could save a child's life. For children like Emmanuel and his brother, a single phone call could make the difference. Please call 0800 055 7236. Your £2 a month could change the future for a child like Emmanuel. When Tony passed, we wanted to celebrate him his way. All he ever spoke about was bite this, bite that. I'll never forget our first date. Huge grin on his face as he rode up on that big noisy thing. And that's exactly the way he'd want to be remembered. At Co-op, we know everyone is different. That's why we offer funeral plans to funeral services that are personal every step of the way. Co-op, it's what we do. Bursting with goodness and tailor-made to your dog. To help you live long, happy lives together, visit purepetfood.com for 30% off your first box. Could releasing cash from your home fund a better retirement? Find out how much you could release with Key's free online calculator. Key, for the life in later life. Join the nation in cinching it and buy your perfect car online. Everything's faff-free, with helpful financing options, and you can trade the value of your old car towards your new one. You get an instant online valuation for your old motor and a guarantee for the price quoted. So, with financing options, instant online valuations, and a guaranteed part exchange price, you can be certain you've absolutely cinched it. Search Cinch and buy your next car today. Every generation knows how to help the next generation survive. Their knowledge and love is vital. We are the first generation to know that we're destroying our planet and could be the last that can save it. Become a WWF member. Help protect our planet for the next generation. Call 0800 038 0912. Text GENERATIONS to 82727. Or search WWF Join Us. वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक बना रहेगा यूके टाइम के हिसाब से। और चर्चा हो रही है आपके साइंस जो भी हैं, बात कर रहे हैं जेमिनी के बारे में, मिथुन राशि और क्या छुपा है आज और आने वाले दिनों में आपके लिए, विशेष तौर पर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव है। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, 09099880 नंबर को डालकर आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ, देखते हैं क्या कहते हैं जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं स्पेन
जी बताइए। मैं दो तीन चीजें कवर कर ली, एक तो मेरा जन्मदिन आ रहा है 16 अक्टूबर, ठीक है जी, बारे करना था। एक मैं अपने काम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जी बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1978 3 43 16 आपने बहुत जल्दी हो जाए, एक बार फिर से बोलें प्लीज। 16 अक्टूबर 3 43 16 ओके, ये साल कौन सा है? साल 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 केड़ा? 1978 1978। ओके ओके ठीक है, होल्ड करिए। ठीक है जी, थोड़ा बर्थडे आ रहा है जी, नवा साल थानू लगभग ऐसे शुरू हो गया। चंद्रमा की दशा के बिच अंतर चल रहा गुरु का बृहस्पति, देखो जो टाइम चल रहा जून तो ही शुरू हो गया ऑलरेडी, तो थोड़ी परेशानी लैके जा रहा काम के मामले, ठीक है। जून तो तुरै तुरै जाता हूँ, काफ़ी अगे बढ़ गया है, तो तुहानू अपने काम बारे थोड़ा जा अवेयर रहना पड़ेगा। बिजनेस तो तुम नहीं कर सकते, नौकरी ही करनी ठीक है। नौकरी के भी तुहानू ध्यान रखना पैना कि तुहाडी नौकरी जिहड़ी आ उहदे विच कुछ रुकावटां आ सकदियां, कोई इहो जिहा काम लभो जिहदे विच तुहानू अगर नौकरी छड्डनी पै जांदी आ तो तुसी अपना मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने लग रहा है कि जो कंडीशन इस वे चल रही है उसके लिए तुहानू काम कर लई थोड़ी स्ट्रगल करनी पै सकती है। जे तुसी अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हो तुहाडा नुकसान हो सकता, तो इस करके उस पंगे विच बिल्कुल ना पियो कि तुहाडा स्टार जिहड़ा इस गल्ल नू अलाउ नहीं करता पिया बिल्कुल भी। देखो इस वेले तो कंडीशन है नहीं, 2 अक्टूबर 2023 तक तो है ही नहीं, बोलो अगला साल आ जाना थोड़े जन्मदिन का, तो फिलहाल तो तुहाडा जिहड़ा स्टार है वह अलाउ नहीं करता पिया कि तुहानू इस तरह का कोई भी पंगा जिहड़ा है वह लैना चाहिए, ठीक है। जे पंगा लौंगे तो काम खराब हो जाऊगा। हाँ वो ठीक है, वो तुसी कर सकते हो, वो तुसी कर सकते हो, वो च कोई प्रॉब्लम नहीं, काम चेंज किया जा सकता है, पर अपना बिजनेस जिहड़ा आ वो ठीक नहीं हैगा। किसी लिए तुसी मार्केटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इहदी शॉप दे उत्ते किते भी कोई काम तुसी करना वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। पर जे तुसी सोचदे हो कि तुसी अपना काम कर लो तुहानू नुकसान हो जाना, ठीक है, इस गल का ध्यान रखो। बाकी काम चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। होर दसो, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, काम ना मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा क्यों? मैं तो वही दसिया, उन्होंने हालात नहीं, हालात तो तेरे अपने स्टारा के माड़े ने ना, भी तेरे जो काम का हालात है वह कमजोर है। मैं तो ही कहा कि आप दूजे वाल ही कढ़ी जाने, अपने वाल भी तीन उंगलों आ जाए मुड़ के, है ना, तो कितना कितने अपने स्टार भी इस गल के लिए रिस्पोंसिबल आ। तो मैं यही कह रहा कि तुम काम बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, जिते भी जाओ उत्थे भी जाके जो तुम्हें काम बदलना पैंता तो बदल लियो। अगर इन्हें देखो भी अगले हालात माड़े, तुम देखो यार मैं अपनी लाइफ कदा चलानी हाँ, मैनू जी इनकम आ मेरी किदा बनी रहेगी, है ना, तुम उस गल बारे सोचो, किसी के बारे अपन बहुत सोचने की टाइम खराब करने की लड़ नहीं हैगी। तो यह चीज़ चल सकती है नैक्सट ईयर, अगले साल अक्टूबर तक इतने रह सकता है, बाकी तुम बदल लो, कोई समस्या नहीं हैगी। होर दसो, होर की जाना चाहते हो? हाँ हाँ नौकरी मिल जाएगी। सेहत के बारे ध्यान दियो, तुहाडे गिट्टे गोडे जोड़ जिहड़े आ इन्हां दी जिहड़ी बस होई जांदी आ इन्हां दी तकलीफ होणी आ तुहानूं, हाँ जी, जोड़ां दे विच, हड्डियां दे विच, पैरां दे विच, लक दे विच, कमर दे विच, इन्हां विच तुहानूं तकलीफ होणी आ, इहदा पूरा ध्यान दियो, जिन्ना वध तों वध दे सकदे हो उन्ना ध्यान देण दी कोशिश करो। फैमिली दा साथ ठीक है, वाइफ दी सेहत थोड़ी बहुती खराब रहणी आ, ठीक है ना, फैमिली विच इही होंदा होणा, सेहत थोड़ी बहुती रह जाए खराब रह जाए, गुस्से का इशू हो जाए, भी अचानक गुस्सा आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई गल्ल नूं लैके, उहदे विच आर्गूमेंट हो गया, बस यही, इस तों ज़्यादा बाकी तां ठीक है सारा कुछ, ठीक है जी, बहुत वधिया, बहुत वधिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई इशू नहीं हैगा। सेहत के मामले करना की है जी, तुसीं कोशिश करो जदों भी तुहाडा टाइम लगता है मिठे बिस्किट लैके वंडिया करो, दोस्तों मित्रों विच मिठे बिस्किट बनते रहा करो, हाँ जी हाँ जी, वह वंडिया करो, वो तुहाडे वास्ते चंगे आ। लंगर
कोई भी चीज ला सकते हो, इस बार कोई खास इदा की चीज नहीं है भी आह चीज लानी है, कोई सारी चीज कोई भी चीज ला सकते हो। नुकसान जो अपना बिजनेस करोगे फिर नुकसान है, जॉब करते हो तो ठीक है, वह लै लो जी वो जो मर्जी लै लो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर बिजनेस नहीं होंगे घर घर होंगे या वो तुम लै सकते हो जो मर्जी लै लो जो थोड़ी। मैं क्या भी कम तो मिल जाना, मैं तुम्हें उ कह रहा कम मिल जाना है, वो तो कंडीशन जो भी थोड़ी है उन्नी तो मेरे कल कहते नहीं कुछ भी उन्होंने कंडीशन जो भी है जो रेगुलर कॉन्टैक्ट चाहिए आ जो भी चाहिए आनू लैना पैना है और हो जाना कोई समस्या हाँ तो कोई नहीं लै सकते हो घर गड्डी कोई भी चीज लै सकते मना तो किया कुछ नहीं आप कलर चिट्टा कलर नहीं लैना बाकी मर्जी ला लो। हाँ जी कोई नहीं कोई नहीं कोई चक्कर चलो हूँ तो पता होगा तो सिस्टम है पर किसी कितने काम अगर लभ दे तो मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी मिल सकता और चंगा भी रहेगा जो मिल जाए जो मिलने के पूरे योग है वो चंगा भी है करो वो चंगा है। ओके जी ओके जी आगे बढ़ते हैं और चर्चा हो रही थी शायद मिथुन राशि के बारे में, कॉलर थे हमारे साथ और मिथुन राशि में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से चीजों को आपको मैनेज करना है और कैसे दिन जो है आपके वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजें आपके लिए जो है कुछ मुश्किल लेके खड़ी होंगी और उस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। और बात करूं मंडे का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मंडे का दिन आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन धन लाभ वाला दिन मैं कह गिन सकता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा, फिर रुका हुआ पैसा आप आ सकता है, फिर मैच्योरिटी जैसे आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखी हो या कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट कुछ किए हो तो ऐसी कोई चीज़ें आपकी मैच्योर होके आपकी हो सकती हैं और आप आगे उसके ऊपर कुछ प्लान कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपने कोई क्लेम कर रखा वो क्लेम भी आपका आपको मिलने के योग बने हुए हैं। तो इस तरह से मंडे का दिन एक धन लाभ का दिन आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर ट्यूजडे की करूँ तो ट्यूजडे का दिन हल्की फुल्की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, जिनको एसिडिटी बहुत है उनको थोड़ा ध्यान देना है, जिनको गुस्सा बहुत आता है उनको भी थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। कारोबार के मामले में हर एक चीज़ के मामले में आप बेहतर करते चले जाएंगे, अगर नौकरी करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर मैं वेनेसडे की करूँ तो वेनेसडे का दिन आप लोगों के लिए छोटी 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 जो काम है यात्राएँ हैं जर्नीज हैं वो करनी पड़ सकती हैं, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने घर के आसपास ही कहीं ना कहीं आप बिजी बनते हुए दिखाई, घर के पास हो लेकिन घर में ना हो, ऐसी स्थितियां आप लोगों के साथ बन सकती हैं जिसको आपको आगे बढ़ाना है। अगर बात थर्सडे की करूँ तो थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए थोड़ी एंग्जाइटी लेके आएगा, धन से जुड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, हेल्थ से जुड़ी हुई एंग्जाइटी हो सकती है, पेरेंट्स से जुड़ी हुई एंग्जाइटी हो सकती है और ख़ासतौर पर इस दिन आपको अपने इमोशंस के ऊपर अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है तो बात अच्छी रहेगी, नहीं तो मामला जो है वो बिगड़ सकता है। तो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है तो उसको बिगाड़ना क्यों, उसको सही करना है। अब आप कहेंगे कि उपाय बता दीजिए इसके लिए, उपाय के रूप में अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो कोशिश करिए इस हफ्ते शराब का त्याग कर दें और ये एक अच्छी बात होगी कि पूरे वीक में शराब जो है वो ना पी जाए, पीने का शौक है पी लीजिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए उसको स्टॉक ना करें, शौक रखने का शौक है रख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें गिफ्टेड ना हो किसी के द्वारा प्रेजेंट दिया गया शराब हो ऐसा तो बिल्कुल भी ना रखें। तो इस तरह से अलग 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 चीज़ें आपकी रहेंगी, इन सब चीज़ों के लिए आपको देना होगा। सो मेन चीज़ आपको यही करनी है कि आपको अपने ऊपर पूरा बाकी सब ठीक है। बात को आगे लिए चलते हैं और देखते हैं कैंसर राशि के मित्रों के लिए कैसा रहेगा आज और आने वाले दिनों का प्रभाव। कैंसर राशि चंद्रमा यानी कि एक तीव्र गति जो लोग टिककर बैठ नहीं सकते, यात्राएं बातें काम जिनका पीछा ना छोड़ें ये ऐसी हैं,
तेज चलें, कभी धीरे चलें, लेकिन इनको चलना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा कुआं है, अगर इसमें से कुछ निकलेगा नहीं तो ये खराब हो जाएगा, इसमें बदबू आ जाएगी, इसलिए इसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहना चाहिए। ये इसकी ताकत है, चाहे वो नॉलेज के माध्यम से हो, फिजिकल टास्क हो, किसी भी तरह का। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कंफ्यूज हो जाता है कई बार। कैंसर राशि के लोग जो हैं, ये अधिकतर एक साथ कई चीजें शुरू कर लेते हैं और कंप्लीट किसी को भी नहीं कर पाते। ये किया, वो किया, यहाँ किया, वहां, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी है। अब जैसे होता है ना, आप लेने एक बुक गए थे और वहां पे और तीन चार आपके दिमाग वो भी आपको दिखाई देने लगी, तो आप कंफ्यूज हो गए और आप चारों ही उठा लाए। अब एक पेज इसमें से पढ़ा, एक पेज इसमें से पढ़ा, आपने एंजॉय किसी को नहीं किया। तो आप चार ले आइएगा, लेकिन शुरुआत किसी एक से करिएगा, उसको कंप्लीट करके फिर दूसरी वाली और फिर तीसरी वाली, मतलब चलता रहने वाला प्रोसेस। यहां वहां जो आपकी जो मैनिक वाली जो छलांग होती है ना, कभी यहां कभी वहां, थोड़ा उसको अगर आप कंट्रोल कर ले तो बात अच्छी रहेगी, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो मैं समझता हूं कि कैंसर राशि के लोग ब्लेस्ड होते हैं, दुनिया का सारा सुख पाना चाहते हैं, घर अच्छा हो, बड़ा हो, गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, एक मेंशन हो मेरे पास, बाग बगीचे सब कुछ हो उसके अंदर। ऐसी स्थिति, नॉलेज भी सारी दुनिया की इकट्ठे, थोड़ी 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 सबकी इकट्ठे करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन किसी में नहीं। ऐसे क्योंकि हमने ही अपने आप को सही दिशा नहीं दी। सुख का कारक, सुख की कारक राशि है ये, और इस संसार में सबको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं कि आप ब्लेस्ड हैं। अपने आप को चैनल करिएगा, अगर आपने ये सीख लिया तो आप जैसा कोई नहीं। तो फिर वो एक गाना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बात बन जाए। बिल्कुल, तो आप जैसा कोई नहीं, आप जिसकी जिंदगी में जाएंगे तो जैसे होता है ना, एक पारस पत्थर जिसको छू जाए उसको सोना कर दे, लेकिन आप तो खुद सोना है, आपको, आप पत्थर नहीं रहेंगे, जो आपके साथ मिलाएगा वो भी सोना होगा, आप तो सोना है ही है, तो डबल हो जाएगा। तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, जानिए, यूं ही चीजों के पीछे मत भागिए। अगर आप इन चीजों को करेक्ट कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप जैसा कोई नहीं। बहुत ही अच्छी राशि है, राशि कोई भी बुरी नहीं है, हर एक राशि में कोई ना कोई क्वालिटी रहती है, लेकिन कैंसर राशि के अपने ही गुण हैं। तो क्या है, अगर आज की बात करें तो आज आपका राशि लॉर्ड चंद्रमा आठवें घर में बैठा है, राइट नाउ। तो चंद्रमा आठवें घर में, तो इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि एंग्जाइटी होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपने दिमाग से निकाल दी थी, आज ऐसी चीजों के साथ अचानक से आपको कुछ समाचार मिलेगा, न्यूज मिलेगी जो आपके लिए अच्छी होगी, अचानक से आपको लाभ मिलेगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके एफर्ट जो बनाए हैं ना आपने, उनका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी दिन की शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जिनको एसिडिटी रहती है, जिनको स्लीपलेसनेस की समस्या है, जिनको शरीर में गर्मी बहुत रहती है, उनको जरूर सावधान रहना है, ये चीजें आपको जरूर परेशान कर सकती हैं। तो ज्यादा समस्या जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकती है, तो हेल्थ को बेहतर बनाइएगा, खाने पीने का जो आपका सिस्टम है उसको उसको बेहतर करिएगा। पानी तो आप देखते ही नहीं है, बस सॉफ्ट ड्रिंक जितना मर्जी पिला दिए, पानी देखकर ही आपको लगता है कि अरे मैं सिक हो जाऊंगा, क्या बात है भाई, पानी ही जीवन है, पानी को अमृत कहा गया है, आप उसको छोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक, ना जाने उसमें क्या क्या मिला होता है जो हेल्थ के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता है, आप उसको पीना पसंद करते हैं, तो थोड़ा अपने आप को चेंज करिएगा। मैंने पहले कहा है कि ब्लेस्ड है, लेकिन आपकी आदतें जो है, आपकी हैबिट्स जो है वो कहीं ना कहीं खराब है, उनको करेक्ट करिएगा, करेक्ट करते ही बात बननी शुरू हो जाएगी, आप एक अलग ही इंसान, सुलझे हुए इंसान नजर आने लगेंगे। जी हाँ, आज का दिन कुछ ऐसे समाचारों से जुड़ा हुआ, लेकिन हेल्थ के बारे में आपको ध्यान देना है, माइग्रेन हो सकता है और उसका कारण एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, यही समय पे खाना बहुत जरूरी है, हेल्थी खाना बहुत जरूरी है। बात अगर कल की करें, कल का दिन कैसा होगा, कल का दिन भी कुछ
मौन करते हुए शुरू होगा, अरे मेरा पेट खराब है, मेरा सर दुख रहा है, मैं टायर्ड हूं। उस वजह से एंगर इश्यू भी कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन चीजें बेहतर होंगी, धीरे धीरे आप सेटल हो जाएंगे और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो ये अपने आप में कल का दिन जो है वो आपको मिले जुले फल देगा। जहां कुछ स्ट्रेस टेंशन हेल्थ को लेकर रहेगी, वहीं कुछ अच्छे लोगों से अच्छी जानकारी, अच्छी चीजें आपके लिए बनेंगी। कुछ प्लानिंग्स आपके दिमाग में आ सकती हैं अपने काम काज को लेके, कुछ नया बिजनेस शुरू करना है उसके बारे में। अरे जिम ही ज्वाइन करना है, आप प्लान करें, अरे मुझे तो जिम ज्वाइन करना है, ऐसे मेरी हेल्थ कैसे रहेगी, तो मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब आप जागृत हो रहे हैं, अवेकनिंग कॉल है आपको, और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि अरे मेरी हेल्थ जो है वो सही नहीं है, मुझे अपने आप को सेट करना है फिजिकल, योगा अभ्यास करना शुरू कर दे, कुछ भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के कल का दिन कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्लेंट्स के साथ शुरू होगा, लेकिन कोई अच्छी चीजें भी होंगी। तो इस तरह से आपका कल का दिन मिले जुले फल लेकर शुरू होगा। इस तरह से संडे का दिन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन भरा दिन होगा, और ये दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप आसमान को छूने की बात अपने अंदर लेके आए, आप हवा में उड़ेंगे, जैसे आपके पंख लग गए हो, दूर देश बैठे लोगों से आपकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, जान पहचान होगी, कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग जिसमें आप धन खर्चा करना चाहें, ऐसा हो सकता है, वो पारिवारिक जरूरत के लिए हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ भी, तो ऐसी चीजें, पंख लग जाएंगे आपके संडे के दिन में। और मंडे का दिन भी ऐसे ही शुरू होगा, किसी दोस्त, पुराने फैमिली फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर के साथ मुलाकात। आजकल मुलाकात तो वर्चुअल हो गई है, सब कुछ फोन पे ही हम सबसे मिलते हैं, सामने रख लेते हैं, फिजिकली तो आना जाना होता नहीं है, तो इस तरह से कोई मुलाकात भी हो सकती है, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। धन लाभ का स्तर आपका रहेगा, आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी, और एक अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं। ट्यूजडे का दिन भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वाला दिन रहेगा, प्रॉपर्टी के द्वारा माध्यम से लाभ होगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप थ्योरी टेस्ट पास कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, आपको आपकी मदर से या आपकी मदर को किसी और माध्यम से कोई बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। यानी कि ट्यूजडे का दिन जो है वो अचीवमेंट्स के साथ भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ अच्छे समाचार आपके आसपास बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सबके साथ अच्छा हो, आप सबका मंगल हो, यही कामना है। आपके आसपास कुछ बुरा होने वाला है, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ अड़चने हैं, आप उसको समझ पाए, किसी को ब्लेम देने के बजाय आप खुद को तैयार करें उनको फेस करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए। हमें किसी को नहीं, किसी के ऊपर जादू टोना करने के लिए नहीं है, जन्म कुंडली अपने कैरेक्टर को उच्च करने के लिए है, अपनी लिमिटेशंस को जानने की है, अपनी स्ट्रेंथ को समझने की है, अपने रास्ते को, अपने पाथ को करेक्ट करने की बात करती है जन्म कुंडली। शायद जन्म कुंडली में बहुत सारी कही जाती हैं ऐसा कर देंगे, तो इस तरह की जो मिथ्या बातें हैं वही दिमाग में चलती नहीं है, यही काम है। और जन्म कुंडली का किसी भी मजहब के साथ, किसी बोली के साथ, किसी रंग के साथ, किसी जाति के साथ, किसी देश के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सबके लिए एक समान है। हम इसको नहीं मानते, शायद ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, भाई इसका कुछ लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से, इसका लेना देना इंसान से है, किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें जब कई बार उपाय दिए जाते हैं तो क्योंकि पुरातन समय से चली आ रहे तो उस समय यही रहते थे, लेकिन आज तो बदला जरूरत नहीं पड़ती है,
आसानी से कहते हैं भाई जाओ यहाँ, आप नहीं मानते किसी चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, जहां आप करना चाहो आप कर सकते हो। ये नास्तिक के लिए भी है, ये आस्तिक के लिए भी है। इसी तरह से आप, ये स्थितियां हैं वो बेहतर हो रही हैं। बुधवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है आप लोगों का। बुधवार के दिन बहुत सारी प्लानिंग्स, घर परिवार में बहुत ही अच्छा रहे, किसी के गेस्ट बनकर आने की सूचना मिल सकती है, आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, अचानक चाहे कुछ पल के लिए क्यों ना हो आप किसी को अटेंड कर सकते हैं या कोई आपको रिसीव कर सकता है। बहुत ही अच्छा दिन। अगर बात आप में, एक ऐसा दिन बहुत सारी चीजें करने की बात हो, अरे ये भी करना है वो भी करना है, दिमाग जैसे होता है ना एक पूरा, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि हर एक चीज अपने आप बैलेंस होती चली गई, आपने थोड़ा प्रयास किया और चीजें अपनी जगह पे जाके टिकती चली गई। बहुत जिम्मेवारी का दिन रहेगा, लेकिन सहयोग पूरा मिलेगा। पार्टनरशिप में है तो पार्टनर सहयोग देगा, शादीशुदा है तो लीग आपको, आपके एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो भी स्थिति आपकी होगी वहां से आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा दिन आप लोगों का बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि कैंसर राशि वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एक ऐसा मैटर है जो इस समय जिसके ऊपर उनको फोकस जहां वहां हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना पानी में डूबता कौन है, जिसको तैरना आता हो, क्योंकि वो ही पानी में जाएगा, जिसको नहीं आता वो किनारे पे बैठा रहेगा, आराम से वहीं बैठ के पानी की गहराई को नापता रहेगा, उसका आनंद लेता रहेगा, लेकिन जिसको तैरना आता है वो उसमें कूद जाएगा और फिर क्योंकि हाथ पांव मारने की आदत है डूब जाएगा। तो मैं यही कहूंगा अगर आप डूबना नहीं चाहते तो अपने आप को शेप दें, एम बनाएं और उसके ऊपर पूरा फोकस करें। ब्लेस्ड होते हैं तो ये बात सही साबित करने का मौका अपने आप को देंगे, मुझे देंगे। मैंने देखा है कैंसर राशि वालों को स्ट्रगल करते हुए, लेकिन जिस दिन उन्होंने रास्ता संभाल लिया, अपने आप को फोकस कर लिया, उनको राज करते हुए देखा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार मेरी और चर्चा जारी रहेगी, बाकी की राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, कहीं मत जाइएगा, मिलता हूं एक छोटी सी ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। Calories a bag? Who knew? What? Sits, Quavers and Monster Munch multi-packs. 100 calories or less. Ooh, nice. McCafe. Just great tasting coffee. Simple. Look, the tingle. Fizz. Maximum taste. No sugar. Fizz. So, that's how much we try and sell your home for. That's great. Thanks. What are you doing? I'm spying on them to find out if they're a good estate agent or not. Or we could just use getagent.co.uk. At GetAgent, we show you the best estate agents in your area based on how well they've sold other properties, so you can make an informed decision. Suppose you're going to sell... Okay. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking, I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, the lot. With over 150 years experience, you can count on Co-op Funeral Care to help you pre-plan the send-off you want. Co-op, it's what we do. Family life. It's made of ups and downs
and those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus, there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. Zen V's new yellow pea spaghetti is high protein, high fibre, and gluten-free, with perfect texture and taste. Created from a single amazing ingredient, the yellow pea, and nothing else. No binding agents, no fillers. We took our time to get it just right, so you can enjoy your favourite spaghetti dishes with pure pleasure. Try Zen V yellow pea pasta today. Visit zenv.co.uk. It's easy to save money when you're a co-op member. We send personalised offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy with them. Do you go for something you need? Or your favourite treat? The good news is you can have both. And every time you buy co-op products, you support your community. Join today and get £3 off your next shop when you spend £10. Download the app, choose your offer and start saving. Co-op is what we do. Mend and sew the easy way with Magic Stitch from JML, the portable sewing machine that fits in the palm of your hand, with the precision to mend delicate fabrics and the power to repair tough denims. It's so fast and easy to repair clothing, fix delicate straps, or sew custom crafts. You can even hem curtains right on the rail. It's battery-powered and lightweight. Make quick fixes easy and instant with Magic Stitch from JML. Only £19.99 from Asda, Argos, Boots and Wilko. There's no animal like them. There's no place like their home. But they're losing their home. And we're losing the elephants. Please help WWF protect them and their homes. Help us support local communities so elephants and people can thrive side by side. Call 0800 035 5916 or search WWF Adopt an Elephant and adopt a better future for elephants for just £3 a month today. At Glasses Direct, all of these glasses are two pairs for £15 with lenses. Get your glassesdirect.co.uk. Discover your family's part in history. Search millions of records including the World Wars, Tudor times and Victorian era. Start your free trial today at Ancestry. With ClearScore's brand new ClearSaver, you could instantly see exclusive credit card and loan offers that help save you money. It's quick and easy. Simply share some details from your current account and you can instantly save. And you can even be pre-approved for offers so you can be ClearScore sure before you apply. Just like I'm ClearScore sure, you don't need all of this. You just need ClearSaver. Just ClearSaver. Download the free ClearScore app and see if you could save. वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में हमें टीवी के माध्यम से। ये आखिरी सेगमेंट है मेरा और आपका साथ, दो बजे तक बना रहेगा। प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डाल कर आप मेरे साथ प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नीलम सेठ जी राम राम जी कह रही हैं, आपको भी राम राम। आलिया जी कह रही हैं कि कुछ मेरे रिलेशनशिप में दिक्कत है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइएगा। मैं अभिषेक तिवारी जी चाहते हैं कि मैं उनके बारे उनकी कुंडली देख कर बताऊँ। वहीं श्रेष्ठा अत्री जी हैं, वो हमें नमस्कार कर रही हैं। वहीं टीनू शर्मा हैं, वो भी हमें हेलो कह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, आपने अपना समय निकाल कर बातचीत की है। वहीं हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से चर्चा करते हैं, उनकी समस्या है काम से रिलेटेड। तो ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि अभी आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको मूव किया जाए। तो मूव करने के बाद आपको आपको लगता है कि वो आप अपने टाउन में ही रहेंगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, या आपको वहां पर जाना होगा फिजिकली, क्या होगा? अगर आप मुझे थोड़ा सा इसको डिटेल में और क्लियर करें तो फिर मैं आपको गाइड करता हूं। जिस टीम बदल देना है, ठीक है। तो जो जो लेटर्स आपने मुझे बताए, क्या उस टीम में भी वो लेटर हैं, या उन लेटर्स वो अलग हैं इनसे? नहीं पता। अच्छा, आपको पता ही नहीं है, लेकिन टीम बदलेगी, ठीक है। होल्ड करिए, देखते हैं क्या होता है।
अभी आपका बर्थडे आ रहा है नवंबर में, ठीक है, और नवंबर ऑनवर्ड चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी से जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कर रहे हैं, वो उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो राइट नाउ हमारे पास जुपिटर महाराज हैं, वर्क रिलेटेड है, और वर्क में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स इन्होंने दे दिया है अचानक से आके। ओके, और साथ में उनकी एंट्री भी हो गई है, जो दे रहे हैं वो भी है। तो अभी मैं आपको यही कहूंगा कि हाँ, आपके लिए समस्या काम पर जरूर रहेगी, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि काम या टीम बदलने के बाद भी आपकी समस्या जो है वो जैसी है वैसी ही रहे, उल्टा उससे ज्यादा खराब हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रभाव आ रहा है, और ये मैं देख रहा हूं कि मई इस साल मई से ही चीजें धीरे धीरे करके आपके अगेंस्ट प्लान की जा रही हैं, प्लॉट की जा रही है, कुछ भी आप लगा लीजिए इसको। और जब टाइम आ गया कि हाँ, इसके ऊपर हमें एक्शन लेना है, और उसका शायद कारण है कि आपके जन्म के ग्रह के ऊपर से ही, जहां पर जन्म की तिथि वहां से ही ग्रह राइट नाउ जो है वो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, शायद ये एक बड़ा कारण है। अगर मान लो कि ये बात ऐसे निकल जाती है आने वाले 2 ढाई महीने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर विद इन 2-3 मंथ्स अगर कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है, तब आपको बहुत सावधान रहना है, और आपको काफी प्रेशर फील होगा, और हेल्थ के मामले में भी फिर आपके ये बुरा असर डालेगा। तो आपको 2 चीजों के ऊपर काम करना है, एक तो हेल्थ आपको अभी से ही, चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, इसके ऊपर आपको साथ साथ काम करना है, ठीक है। दूसरा, जो भी टीम आगे चल के आए, आप एक क्लियर, एक होता है ना कि आपको पता हो कि आपका रोल क्या है, आप उसके बाहर आगे पीछे आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े, ठीक है, लेकिन एकदम आउट ऑफ वे आपको जाकर कुछ करना हो, तो एस से आपको पहले से ही उनकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में जान लेना जरूरी होगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि जो चेंजेस हो रही हैं, की जा रही हैं, फोर्सफुली की जा रही हैं, वो कुछ टेंशन लेके आ रही हैं आपके ऊपर। तो इससे बचने का एक तरीका आपको मैं देता हूं कि अब उसको रोक तो नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, उसके नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। अब बताइए आपको क्या करना। करना है ना, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहा है। जी, उसी को ही मैं हेल्प कर पाऊंगा इस समय। और ये टीम जो बदलने की बात है, ये बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्लान करके फोर्सफुली किया जाएगा और ये होके रहेगा। वो प्लान हो गया है, अभी शुरू कर दिया है उन लोगों ने, बोल जी, दिया है। और कब तक हो जाएगा? अगर शुरू कर दिया तो कब तक हो जाएगा? दो, वही 2 से 3 महीने का इसमें से समय आ रहा है, उसमें ये करने का। ठीक है, आप इसमें एक काम करिएगा, और वो काम मैं आपको बता देता हूं। पीनर्स आपने देखे होंगे, तो पीनर्स एक तो होते हैं होल, एक होते हैं विद स्किन, एक विदाउट स्किन। तो आपने पीनर्स लेने हैं विद स्किन, होल नहीं लेने, लेकिन विद स्किन लेने हैं आपने, जिसके ऊपर हल्का सा रेडिश जो स्किन रहता है ना, वो वाले आपने लेने हैं, वो लीजिएगा, और उनको लेके आप चैटी करिएगा। चैटी कर दें, चैटी करें, उसको दान कर दें। हाँ, उसको, हाँ, उसको चैटी करना है आपने। तो उसके 2-3-4 बैग मिल जाए अगर आपको, तो ये अपने ही कोई एशियन जो स्टोर रहते हैं वहां से ही शायद मिलेगा आपको ऐसा, तो वहां से ले लें, 2-4 बैग लेके आप कहीं ना कहीं चैटी में डाल दें आप, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, इससे जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल आप महसूस करेंगे, मेंटली फिजिकली भी, और वहां डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं चीजें सही तरीके से आगे बढ़ेंगी, जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं कम होगी। कौन से दिन में करना है? ट्यूसडे और फ्राइडे में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ठीक है, उस दिन करें, वो ठीक रहेगा आपके लिए। और अगर फिर आपको लगे कि चीजें पहले से कम है लेकिन अभी और थोड़ा कम करना है, तो आप रिपीट कर सकते हैं इसको अगेन आफ्टर 40 डेज। 40 दिन डेज के बाद आप फिर से ऐसा ही 4 बैग लें, और लेकर फिर से आप ऐसे ही चैरिटी करें। टॉकिंग करके मुझे निकाला जा रहा है आंखें में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अपनी स्टार जो है वो थोड़े कमजोर हो गए हैं, क्योंकि एक स्टार घूम के उस पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन में वो बर्थ में बैठा हुआ था, और वो काम के ऊपर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है, कनेक्शन है वहां पे बना हुआ, इस वजह से ये चीजें अचानक से शुरू हो गई हैं। इसे 2-3 महीने,
तीन महीने के लिए रहेगा, तीन महीने बाद ये वहां से आगे बढ़ जाएगा, आफ्टर थ्री मंथ्स टाइम चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये आने वाले तीन महीने ही हैं जो आपको परेशान करेंगे, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, अभी तो प्रमोशन इन्होंने जो सिलसिला शुरू हो गया है उसमें प्रमोशन की कोई बात बनेगी नहीं, अब नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं और किसी जगह पे इंस्टेड ऑफ आप इनके साथ ही काम करने की बजाय कहीं और अप्लाई करती हैं तो वहां पर फिर आपके लिए चीजें अच्छी हो सकती है। आप अपनी इच्छा से बदल ले, तो अगर वो बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो आपको वहां पर उन्हीं लोगों से बातचीत करना, और फिर एक इंसान को वहां से फोर्सफुली या ना जाने वो आपस में क्या करके उसको कर रहे हैं, तो सामने वाला उस चीज का कैसे लेता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेंगी मेंटली। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी कर लीजिए, अभी से, आज से ही शुरू करिए, कभी से नहीं, आज से ही शुरू करिए। कोई बात नहीं है इसका। आज प्रोग्राम की शुरुआत मैंने जानबूझ के ऐसी की थी कि आपकी कदर कौन करेगा। अगर किसी को आपके जैसे हम कहते हैं ना, एक स्टोन दे दिया हमने, एक्सपेंसिव है, हमने किसी उसको कहा कि भाई इसको दे क्या किसी को। अब उस इंसान को स्टोन्स की जानकारी नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगा देखने, उसने कहा ठीक है मैं इसके 50 pounds आपको देता हूँ। ठीक है, वो आया पूछ के भाई 50 मिल रहे हैं, तो अच्छा उसको भेजा किसी और के पास, भाई आप इसके पास जाओ। अब वो मीडियम दर्जे का इंसान था, तो उसने कहा नहीं मैं आपको 2000 pounds देता हूँ, इसके 2000 दे देता हूँ। फिर उस वापस आया कि वो तो 50 दे रहा था, अब ये 200 दे रहा है। तो तीसरे के पास भेजा जो एक्चुअली में जिसको इसकी पूरी नॉलेज थी, जब उसके पास गए तो उसने उसकी कीमत जो एक्चुअल कीमत थी उससे भी ज्यादा दिया। तो यही होता है कि कई बार हम गलत लोगों में फंस जाते हैं, तो हमारी कीमत जो है वो हमें नहीं मिलती है, तो हम उसको कहते हैं कि अरे रिजेक्शन मिल गया। तो उनको आपकी जानकारी नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं। तो आपको सही लोगों के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ना है, इसको आप रिजेक्शन ना माने, अब ये माने कि आपको सही लोगों की तलाश है। तीन महीने विद इन 3 months, यही 3 महीने का तो खेल है सारा। 3 महीने ही आपके लिए जो है जहां वहां आपको उलझा रहे हैं, 3 महीने ओवर होते ही बात ठीक हो जाएगी। फिर आप अगर यहीं रह गए तो आप यहीं पे एंजॉय करना शुरू करेंगे, भाई अब मैं ठीक हूँ यहीं पे, मुझे कहीं नहीं जाना है। और यही नहीं, 3 महीने में आप कहीं और दूसरी जगह जा सकते हैं। नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम यही रहेगी ना, नई जगह जाए, नई लोगों के साथ बैठना मिलना करना चीजें हो सकती है। वो अभी आप घर से करें, वो कहे नहीं आपको इतने दिन ऑफिस में भी आना पड़ेगा, ये अलग सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो समस्या जहां पे आप फेस कर रहे हैं वो नहीं होगी, वहां पे अलग तरह की समस्याएं होंगी। समस्याएं तो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि बदलने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो रहेंगी, लेकिन उनको वेयर करने की ताकत आपके अंदर होगी। कोई भी चैरिटी हो, वो तो खाने की चीज है ना, खाने के जहाँ बहुत सारी चैरिटीज होती हैं जहाँ पे फूड लिया जाता है, तो वहाँ दे दें आप। तो फ्राइडे आज दे सकते हैं, आज आपके पास 4 बजे तक टाइम है, एनी टाइम बिफोर 4:30 आप दे सकते हैं। और अगर आज ना हो पाए तो ट्यूजडे, जो अगला ट्यूजडे आ ही रहा है नेक्स्ट वीक, उसमें दे सकते हैं। ना बोल के मिलेगा क्या, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, क्योंकि सामने वाला सुनने को मानने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या फायदा होगा उस चीज से, कोई फायदा नहीं है। आप रिलैक्स करें, अपनी ऊर्जा को अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय उसका सही उपयोग करें। यहाँ पर ही अगर डिपार्टमेंट में ही कहीं चेंज हो रहा है तो वहां पर भी स्ट्रेस रहेगी। अगर आप बाहर निकल जाती हैं स्ट्रेस वहां रहेगी, लेकिन नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो ठीक रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, लेकिन साथ में ये रेमेडी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से ये सारी नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। जी, हाँ जी, बताइए बताइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए उनकी। 15 अगस्त 1974। 15 अगस्त 1974। हाँ।
टाइम रात के मैच का घर लंदन में नाम ठीक है 15 आपने बोला ना 15 15 अच्छा ठीक है दैट्स फाइन ओके जी क्या जानना चाहती हैं आप इनके बारे में थोड़ा सा इशू तो रहा है इसका कोई भी काम नहीं करता है अच्छा बंदा तो बहुत अच्छा है जी बहुत अच्छा है वो तो मुझे पता है डायमंड मिल गया है आपको ये कहूंगा ओके सो जो काम में दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूँ वो उपाय करिएगा तो काम में दिक्कत जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी ठीक है और और इनको साथ साथ बोलिएगा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि इस समय सेहत के ऊपर भी चाहे स्पेशली लोअर बैक और पैरों की ओर ज्यादा इसका असर जा रहा है तो वहां पे या फिर नेक के अराउंड जो है स्टिफनेस हो सकती है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें इनको करना क्या है आप इंडियन स्वीट शॉप पे जाएं वहां पर बेसन की बर्फी मिलेगी एक स्वीट रहती है बेसन की ग्राम फ्लावर की बनी रहती है तो वो लेना है और साथ में आपको लेना है दूध तो वो आपको टेम्पल में जाकर देके आना है और 4 दिन तक देना है अगर 6 दिन देंगे तो और भी अच्छी बात है लेकिन 4 दिन आपको कंटिन्यूसली देना है उसको हाँ रोज नया लेना है और दे के आना है नया लेना और वहां रख के आना है नया लेना है वहां रख के आना है देकर आना है वहां ठीक है 4 डेज इन ए रो हाँ तो इंडिया जाके कर दीजिए ना इंडिया जाके कर दीजिए हाँ 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 मिल सकता है सब कुछ आराम से वहां जाके कर दीजिए कहीं भी दुनिया में आप हैं वहां कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर माता जी की मूर्ति हो गॉडेस दुर्गा की मूर्ति हो उसके सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा जी अड़चने दूर हो जाएंगी आप जब शुरू करोगे तो अड़चने दूर हो जाएंगी एक उपाय है अभी मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा लेकिन प्रोग्राम के बाद अगर आप मुझे मैसेज करेंगी या फोन कर लेंगी मेरा नंबर 07881202985 है वहां पे मैसेज डाल दीजिएगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा लिख के भेज दूंगा कौन सा उपाय करना है वो करवा दीजिए इनसे तो फिर उससे ये समस्या इनकी ठीक हो जाएगी जी 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 और बाकी जॉब में कोई चेंजेस ये सब है या नहीं करनी नहीं चाहिए अगर करना चाहे तो कोई बुराई नहीं है लेकिन करके करना क्या है अभी फोकस करें कुछ चीजें थोड़ी सी रुकी हुई हैं उनको पहले सेटल होने दें और उसके बाद फिर कर सकते हैं क्योंकि ये जो वर्ष है इनका जो शुरू हुआ इनका बर्थडे के बाद काफी पॉजिटिव है थोड़ी सी रुकावट दे रहा लेकिन है पॉजिटिव तो इससे नतीजे बहुत अच्छे आएंगे यार आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है हमें आगे बढ़ना है और आगे चर्चा जारी है और हमने बात की थी कैंसर राशि के बारे में कैसे चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियो राशि की लियो राशि के मित्रों को क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरह से रहेगा आपका आज और आने वाले दिन तो उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो कहाँ है लियो और क्या है लियो की स्थिति इसको लेके आगे बढ़ते हैं और लियो राशि के मेरे मित्र क्या किया जाए आपके लिए तो सबसे पहले लियो राशि की कुंडली तैयार करते हैं देखते हैं क्या कहती है लियो राशि की कुंडली लियो में सिंह है कन्या राशि में यानी कि सेकंड हाउस में मरकरी के साथ और मरकरी हो चुके हैं राइस कंबस से रेट्रोग्रेड से सब कुछ खत्म हो गया तो मरकरी अपने ही घर में एग्जर्टेड हाउस में बैठे हैं और वीनस साथ में है सन मरकरी वीनस का योग बना हुआ है और क्या है खास आज और आने वाले दिनों में तो सबसे पहले आज का दिन भाग दौड़ का दिन रहेगा परिवार के लोगों से बातचीत का दिन रहेगा कुछ निराशा रहेगी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ आफ्टरनून लगभग 1:30 बजे के बाद ऐसा महसूस हो कि जैसे सेहत ठीक नहीं है बर्निंग हो रही है टेम्परेचर हो रहा है ऐसी चीजें आपको फील हो सकती हैं टाइटनेस जो है वो आपको पकड़ सकती है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं जो कल तक चल सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करने का लेकिन जहां मैं ये कहूंगा कि करना है क्योंकि मजबूरियां होती हैं कई बार कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जिनके लिए कर रहे हैं वहां पे कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं होगा जैसे बातचीत करने में हेजिटेशन हो सकती है लोगों का
बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा वेलकमिंग नहीं होगा, लेकिन क्योंकि करना भी है, इनवाइटेड भी है, तो सब चीजें करनी होंगी। तो मुझे लगता है कि आपको मजबूत रहना हो, मजबूत रहिएगा और अपनी प्रेजेंस को आप स्वयं दर्ज करवाएं वहां पे कि यू आर प्रेजेंट देयर। तो ये बहुत जरूरी बात है। एक्सपेक्ट मत करिएगा कि लोग आपको वेलकम करेंगे, वो कहेंगे अरे मैं तो यहाँ बिजी था, वहां बिजी था, इसलिए वो इसको इग्नोर करते चले जाएंगे। बहाना होगा ना उनके पास। लेकिन आप अपने लिए जगह बनाइए, ये आपकी ताकत है, आप बना सकते हैं। इस चीज का आज और कल दो दिनों में आपको ध्यान रखना है और हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यानी कि सैटरडे का दिन आगे बढ़ेगा, चीजें आपकी फेवर होंगी। जो लोग पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने में आपका बुरा अहित सोचते हैं, आप शायद सामने से उनका नाश कर सकते हैं। कहते हैं कि शनि जब छठे घर में होता है, ये समस्त एनिमीज को, शत्रुओं का नाश कर देता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। और शनि जहां अपनी ही राशि लेकर बैठे हुए हैं, तो जाने के आप के सामने जितने भी लोग यहां वहां की बातें बना के झूठ तूफान फैलाए हुए हैं, वो सारा का सारा आप साफ करने के लिए तैयार रहेंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ऐसा सिलसिला चलेगा, संडे के दिन एक अच्छा दिन रहेगा, एक अच्छी प्लानिंग रहेगी। किसी यात्रा का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है, ट्रैवल करने का प्रोग्राम बन सकता है, तो उसको आप फुली एंजॉय करिएगा। और जो भी कड़वाहट है, जो भी एक्सपीरियंस को छोड़कर आगे बढ़िएगा। हर दिन एक नया दिन होता है, मैं यही कहूंगा। जब यात्रा करनी है, जाना ही है, तो उसको एंजॉय भी करिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। अगर ये नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है। संडे के दिन ही जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, तिथियां बदलेंगी और कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से एक सक्सेसफुल इंसान की तरह, किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने की तरह आप आगे बढ़ेंगे। तो आपका दिन जैसे संडे का आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ बनेंगी और इसका लाभ मिलेगा, और ये चीजें मंडे तक चलती चली जाएंगी। संडे और मंडे के दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन भरे दिन रहेंगे। और मंडे में ही अगर हम आगे बढ़े, तो साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो लोग आपके साथ थे, संडे थे, मंडे थे, चाहे आपके साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन उनके मन की कड़वाहट जो है, जैसे होता है ना, आप सांप को कितना भी दूध पिलाओ, जब डसेगा तो विष देगा। तो कुछ लोग आपके साथ होंगे जो जिनका व्यवहार तो बहुत अच्छा होगा, जो प्रटेंड करेंगे कि वो उनसे बेहतर आपका वैल्यूएशन कोई नहीं है, लेकिन आपकी पीठ में शराब मारने में उनका ही सबसे बड़ा रोल होगा। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो बहुत मीठा मीठा आपके साथ बनने का प्रयास करे, आपको बस उसी इंसान को टारगेट करना है कि उसके मन में ही कुछ ऐसा छुपा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बात ट्यूजडे की करें, ट्यूजडे का दिन बेहतरीन भरा दिन रहेगा, सुकून भरा दिन रहेगा, इच्छाओं की पूर्ति का दिन रहेगा, एक बहुत ही अच्छा दिन। बात वेडनेसडे की करें, ये दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन से जुड़े हुए मसले जो है आपके, ये कहें कि इन दिनों में धन एक बहुत बड़ी चीज है। मनी लोग कहते हैं अरे पैसा ये है, पैसा होगा, बिना पैसे के यहाँ आपकी कोई आपको पूछता नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो सब आपके हैं, और नहीं है तो सब मुंह फेर लेंगे, कहीं मांग ना ले। तो कुदरत आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को इम्प्रूव करे हुए है। तो बुधवार का दिन फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी स्थितियां रहेंगी। लेकिन वहीं गुरुवार का दिन धन के मामले में तो अच्छा है, कारोबार के मामले में अच्छा है, बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन एंग्जाइटी जरूर रहेगी, इमोशंस काफी हाई रहेंगे। इसी के ऊपर आपने काबू पाना है, क्योंकि जब आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, एंग्जियसनेस बढ़ जाती है, तब समस्याएं होने लगती हैं, हम फोकस नहीं कर पाते। तो लियो राशि के मित्रों को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है थर्सडे के दिन, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। और लेकिन मैं यहां पर देख पा रहा हूं, अगर आज और कल का दिन अगर मैं छोड़ दूं, या फिर थर्सडे का दिन छोड़ दूं, तो बाकी के दिन जो है वो आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस आपको अवेयर रहना है कि जो लोग आपके साथ बहुत मीठा व्यवहार कर रहे हैं, वही कल्प्रिट हैं, वही आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। चीज का आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कन्या राशि के मित्र क्या कहते हैं। कन्या राशि के मित्रों के लिए आखिरी के कुछ पल बचे हैं हमारे पास, तो ये भी कहना चाहूंगा ऑफिर बात करना चाहते हैं आप में से बहुत, कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफिर कहाँ बात कर सकते हैं, तो सीधा सा आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 01827216401। इस नंबर को आप ऑफिर मेरे साथ डायल कर बात कर सकते हैं, समय बना सकते हैं, हल्के फुल्के माहौल में जो ही हंसी मजाक में हम जिंदगी की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी कारण से ये नंबर थ्रू ना हो पाए तो दूसरा नंबर लिखिए 07881202985। इस नंबर के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैसेज डालिएगा, कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि आपसे मिलूं, आपको कॉल बैक करूं, आपसे बात करूं, जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा हो और उसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि, जी हाँ, राशि लॉर्ड एक्सल्टेड राशि में बैठे हुए हैं, क्या बात है, साथ में सूर्य का साथ भी है और शुक्र जरूर वहां पर नीच राशिगत है, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देते हैं, एक ताकतवर एक कमजोर, तो एक इन बिटवीन जो वैसे ही है फायर आग, ऐसे में क्या होगा, तो देखते हैं जी। आज का दिन शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन अब दिन बड़ा अच्छा हो गया है, यानी कि अच्छे नतीजे, खासतौर पे किस तरह के रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ है, लिविंग रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, लव मैटर है, तो वहां पर अच्छे नतीजे जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम काज अगर करते हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है, पार्टनर के माध्यम से लाभ की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आपका दिन जो लगता था बहुत खराब होगा, बहुत बुरा होगा, वो अचानक से एक अच्छा दिन आपके लिए बन जाएगा। एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, जी दसो, मेरा नाम जी, ठीक है जी, ओके, तुसी होल्ड रखियो क्योंकि अपना प्रोग्राम खत्म होने लगा या, ते मैं तो अपना प्रोग्राम तो बाद गल करना रहूंगा, ठीक है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रोग्राम यही समाप्ति की ओर है, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको लाभ मिलेगा, आप सेहत जाब रहे, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहे, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो, और यही कामना करता हुआ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी MATV के माध्यम से। लेकिन ऑफिर बात करने के लिए फिर से एक बार जाते जाते आपको बता दूं 01827216401 07881202985 नंबर पर आप मुझे ऑफिर संपर्क कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो यही कामना करता हुआ आपसे विदा लूंगा, धन्यवाद, नमस्कार।